हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सूजी के मालपुए बनाना सिखा रही हूँ, जिसे गुलगुले भी कहते हैं। इसके लिए हमें जो जो सामग्री चाहिए वो है 1 कटोरी सूजी, आधा कटोरी मैदा और आधा कटोरी हमने गुड़ लिया है। सबसे पहले हम गुड़ को पानी में डाल के इसको भिगो लेते हैं। अब हम पतीले में गुड़ डाल लेते हैं और इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको हम गैस पे रख देंगे। ये देखिए, हमने इसको गैस पे रख दिया। हमने इसको सिर्फ गुड़ को ही हमने मेल्ट करना है और कुछ नहीं करना है इसको। देखिए, हमने इसको, ये गुड़ हमारा पानी में घुल जाए। ये देखिए, गुड़ हमारा घुल चुका है। अब हम इसको छान लेते हैं। अब हम इसको छान, अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं पानी को। ये देखिए, हमारा पानी अब ठंडा हो चुका है। अब ये थोड़ा थोड़ा ही गर्म है। अब हम क्या करते हैं कि एक बाउल में सूजी डाल लेते हैं। और मैदा डाल लेते हैं। दोनों को मिक्स करके अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अच्छे से हमने इसको फेंटना है। ये देखिए, हमने इसको ऐसे चलाते जाना है ताकि इसमें गांठे ना पड़े। अच्छे से सारा जो हमारा मिश्रण है वो अच्छे से घुल जाए। ये सारा घुल गया। अब हम इसको 20-25 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें सूजी है वो फूलेगी। अब हम जब पानी डालना होगा बाद में डालेंगे। अब हम इसको ढक के 20 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हमने इसको ढक दिया। अब हम 20 मिनट के बाद देखेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कैसा हुआ है। ये देखिए, ये और भी थिक हो गया, हमारी सूजी फूल गई। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। तब तक हम तेल गरम कर लेते हैं। गैस ऑन कर देते हैं, तेल हमारा गरम हो जाएगा तब तक। अब हम तेल को चेक कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम। हमारा तेल गर्म होने वाला है। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे छोटे छोटे, इसको हाथ से उठा के ऐसे डाल। इसे आप हाथ के साथ डाल सकते हो, हाथ में पानी लगा के थोड़ा थोड़ा, या फिर चम्मच के साथ भी डाल सकते हो। इसको हमने ऐसे लगाना है, एक हाथ में पानी लगा के उठा के इसको बीच में डालना है। ये हाथ से चिपकता नहीं है। अगर आप चम्मच के साथ डालना चाहो तो चम्मच से भी डाल सकते हो। चम्मच के साथ उठा के आप ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल सकते हो। हम इन्हें धीमी आंच पर ही पकाएंगे, क्योंकि अगर हमने आंच तेज कर दी इसके तो ये जल जाते हैं, ऊपर ऊपर से जल जाते हैं, अंदर से फिर ये कच्चे रह जाते हैं। इसलिए हम इसे सिम आंच पर ही बनाएंगे। अब हम इन्हें पलटा देंगे। देखिए, थोड़े थोड़े ब्राउन होने लग गए हैं ये।
ये हमारे गुड़ वाले, इस करके इनका कलर थोड़ा सा डार्क होएगा। अगर हम चीनी के बनाए तो ये थोड़े वाइट में बनते हैं। अब हम इसकी आँच थोड़ी मीडियम कर देंगे। देखिए हमारे ये मालपूरे बनके तैयार हो गए हैं, जिसे हम गुलगुले भी कहते हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, एक प्लेट में नैपकिन रख के उसमें निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे सूजी के मालपुए बनकर तैयार हैं, जिन्हें हम गुलगुले भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।